आग के अंदर मैं बराबर मुस्कुरा रहा था, और उसकी वजह यह है मेरे चेहरे पे गुस्सा नहीं, अफसर्दगी नहीं, इसलिए कि कल इसी मकाम के ऊपर एक तरफ मेरे पाकिस्तान से चप्पे चप्पे से लोग आएंगे, लाहौर के जिंदा दिल खवातीन बच्चे बुजुर्ग यहाँ पे इंशाल्लाह ताला अपने हरदल अजीज लीडर को देखने के लिए आएंगे, और मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि कल तक मुझ पर पाबंदी है, मेरे लीडर ने कहा है कि आपने सारी अच्छी बातें कर दी, इसलिए ये मुस्कुराता हुआ चेहरा देख ले, इसके ऊपर कोई आज गुस्सा नहीं, इसलिए कि जब आजादी के उस तूफान से हम टकराए, बच्चा बच्चे ने कुर्बानी दी, मेरी बेटियों ने कुर्बानी दी, ऐसा मेरी बच्चियों ने कुर्बानी दी मुल्क के दूरदराज के अंदर, मीडिया को देख लें, ब्यूरोक्रेट को देख लें, मैं अपने पुलिस वालों को भी सलाम करता हूं कि जिन्होंने आज खुदा के फजल से तहिया किया है कि हम उन नामालूम अफराद का हुक्म नहीं मानेंगे इंशाअल्लाह, इसलिए कि कानून के खिलाफ आईन के खिलाफ कोई हुक्म उनको पाबंद नहीं करता। आज मेरे पाकिस्तान में बसने वालों जगह जगह से निकल के आओ और आज तारीख मुरतब कर दो कि कल जब यहाँ इमरान खान आए और अभी थोड़ी देर जमान पार्क में जब हम आ रहे थे मुस्कुरा रहा था और कह रहा था कि मेरे मुल्क के बच्चे नौजवान मीडिया ब्यूरोक्रेट पुलिस वाले FIA वाले फौज वाले सब यहाँ पे खुदा के फजल से हाजिर होंगे, इसलिए उसने पाकिस्तान को पाकिस्तानियों की शनाख्त दे दी है, सबको एक कर दिया है, इसलिए वो अपने पाकिस्तान को और अपनी हकीकी आज़ादी को बचाने के लिए सब इंशाअल्लाह ताला अपने लीडर को सुनने के लिए आएंगे, अपनी आंखों से उसे देखेंगे, और कल जब उसकी तकरीर होगी एक तारीखी तकरीर होगी तो आओ अपने अल्लाह के सामने आज सजदा करें, शुक्राना अदा करें कि परवरदिगार तेरा शुक्र है कि ये रात ये दिन हमें देखना नसीब हुआ जब पाकिस्तान इमरान खान की क्यादत में तब्दील हो रहा है, पाकिस्तान कायंदाबाद। और अब मैं दावत दूंगा हमारे कामयाब ओवरसीज जुल्फी बुखारी साहब, जो सब कुछ छोड़ के यहाँ पाकिस्तान आए और यहाँ बैठ के